Gautam Nirala, and I'm going to discuss about the complex number. So, complex number, suppose x square plus 1 is equal to 0. So, we can write x square is equal to minus 1, right? So x square is equal to minus 1. So what is happening? हम लोग क्या कर रहे थे 12th class में हम लोग क्या पढ़े थे real मतलब हम root में minus 1 नहीं पढ़े हुए थे. एक example है ax square plus bx plus c is equal to 0. जब हम इसका define करते हैं b is equal to under root b square minus 4ac. ये हमारे क्या है d है. तो d हम जब फाइंड करते हैं तो d का वैल्यू क्या होता है अगर greater than equal to 0 है तो ये क्या होता है हमारा real root होता है. real root का मतलब है कि अगर root में है तो हमेशा क्या होगा positive में होगा, ठीक है ना. लेकिन जब अगर d की वैल्यू less than 0 हो जाता है, less than 0 का मतलब हुआ कि negative. negative का मतलब होगा x is equal to नेगेटिव का मतलब होगा x इक्वल टू सपोज z माइनस 4 इज देयर. सो ये रूट क्या है नेगेटिव है तो इसको हम क्या बोलेंगे नॉट रियल. तो इसी को दिखाने के लिए हम क्या करते हैं जब हमारा ये रूट अगर हम नेगेटिव हो जाता है तो हम इसको क्या बोलते हैं इमेजिनरी. तो हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं i से. i का मतलब होता है आयोटा. आयोटा इट मींस imaginary, ठीक है. तो जब हम इसको हम अंडर रूट माइनस वन को रिप्रेजेंट करने के लिए हम आयोटा आई से रिप्रेजेंट करते हैं आई सिंबल से. इसका मतलब होता है आयोटा विच मीन्स इमेजिनरी नंबर, ठीक है. अब हम आगे इसको डिस्कस करेंगे. अब हमने क्या किया अब जब भी माइनस अंडर रूट वन होगा तो हम इसको क्या बोलेंगे आयोटा. अब सपोज है माइनस फोर, माइनस फोर इज देयर तो अब क्या होगा कि अंडर रूट माइनस वन लिख सकते हैं अंडर रूट फोर. तो ये क्या हो जाएगा ये तो आयोटा हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा टू. तो मतलब ये क्या हो गया टू आई. सिमिलरली अंडर रूट माइनस सिक्सटीन इज देयर तो ये क्या होगा अगेन माइनस वन अंडर रूट 16. तो क्या हो जाएगा फिर से i हो जाएगा और 4 हो जाएगा. ये क्या हो जाएगा 4 आयोटा. तो ये जितने भी सारे हैं ये सारे क्या हैं आयोटा मतलब इमेजिनरी नंबर हो गया, ठीक है ना. अब हम आगे प्रॉपर्टीज का देखेंगे. प्रॉपर्टीज ऑफ आयोटा. अब हम आयोटा मान लेते हैं आई टू पावर जीरो. आई टू पावर जीरो क्या होगा ये वन होगा. कैसे वन होगा एक्स टू पावर जीरो ये हमेशा क्या होता है एक्सपोनेंट लॉस से हमेशा ये वन होता है. अब हम मान लिए आई टू पावर वन तो ये आई टू पावर वन क्या होगा समथिंग पावर इज इक्वल टू वन सेम ही रहेगा वो आई. आई टू पावर टू तो आई टू पावर जब भी हम टू लिखेंगे तो आई का वैल्यू हमारे क्या होता है माइनस वन. तो इसका जब हम स्क्वायर करेंगे तो ये क्या हो जाएगा क्योंकि रूट का स्क्वायर करते हैं तो रूट हट जाता है तो माइनस वन हो जाएगा. अब क्या होगा आई टू पावर अगर थ्री है तो हम इसको लिख सकते हैं आई स्क्वायर की टू आई. तो जब भी हम आई स्क्वायर करेंगे तो आई स्क्वायर का वैल्यू माइनस वन इन टू आई तो ये क्या हो जाएगा माइनस आई. अब हम आई टू पावर अगर फोर लेते हैं i की पावर s स्क्वायर इनटू i की पावर s स्क्वायर तो i का स्क्वायर हमारे कितना है माइनस वन. तो माइनस वन गुने माइनस वन ये क्या हो जाएगा वन हो जाएगा. सिमिलरली अगर हम फर्दर मूव करें i की पावर फाइव ये क्या हो जाएगा
क्या हो जाएगा 1। कैसे होगा ये 1? अगर i की पावर 4 k है तो क्या हो जाएगा? i की पावर 4 पावर k, तो i की पावर अगर 4 है तो ये हमें पता है यहां से क्या होता है, i की पावर 4 1 होता है, और अगर पावर k है तो k बिलोंग्स टू रियल, तो ये क्या हो जाएगा, हमेशा 1 हो जाएगा। सिमिलरली i की पावर 4 k प्लस 1, तो क्या हो जाएगा, i की पावर 4 k into i की पावर 1, तो क्या हो जाएगा 1, क्योंकि ये तो क्या हो जाएगा हमारा 1 हो जाएगा और i की पावर r। सिमिलरली i की पावर 4k plus 2, तो क्या हो जाएगा, i की पावर 4k into i की पावर 2, तो क्या हो जाएगा, ये तो 1 हो जाएगा हमारे ये पार्ट, और ये पार्ट हमारा क्या हो जाएगा minus 1। सिमिलरली i की पावर 4k plus 3, तो i की पावर 4k into i power 3, तो क्या हो जाएगा, ये minus 9 हो जाएगा। सिमिलरली अगर फिर 4 आएगा तो ये इसका समेशन होकर के 4k हो जाएगा। तो हम एक यहां से एक जनरलाइज रिजल्ट हम देख सकते हैं क्या, एक हम जनरलाइज रिजल्ट देख सकते हैं, अगर i की पावर 4k plus i की पावर 4k plus 1 plus i की पावर 4k plus 2 प्लस i की पावर 4k प्लस 3, तो ये हमेशा 0 होगा। 0 कैसे होगा, हम जब ये सारे वैल्यू पुट करेंगे तो हमेशा 0 होगा, तो इसलिए हम जब आगेटा को ये हमारा जनरलाइज रिजल्ट है। एक और हम इसको जनरलाइज रिजल्ट में लिख सकते हैं, समेशन ऑफ i की पावर 4k इफ k बिलोंग्स टू 0 टू n, तो क्या होगा 0, नहीं गलत है ये, क्योंकि अगर हम 0 पुट करेंगे वन हमारा पहले हो जाएगा, ये वन हो जाएगा, तो हम इसको क्या पुट करते हैं, हमारा k is equal to 1, जब 1 से रहेगा तब हमारा ये जनरलाइजेशन क्या होगा, 0 होगा। तो हम इसी तरह से ये हमारे एक इक्वेशन जनरलाइजेशन हो गया। अब सिमिलरली हम i की पावर 1 plus i की पावर 2 plus i की पावर 3 plus i की पावर 4 है, तो ये एक 0 होगा, जो एक प्रॉपर्टीज ऑफ ये हमेशा होगा, ठीक है। अब हम आते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर पे, अब सपोज दैट i की पावर अगर मान लीजिए 438 है, ठीक है, तो अब इसका वैल्यू कैसे लेंगे, अब i की पावर अगर कितना भी पावर है तो हम कैसे फाइंड कर लेंगे, एग्जांपल तो हम क्या करेंगे, इसको 4 से डिवाइड करेंगे, सबसे पहले 4 से डिवाइड करेंगे, 438 में मैंने 4 से डिवाइड किया, 4 9 का 36, तो हमारा कितना बच गया 2, तो मतलब क्या हो गया, i की पावर 2 के पावर 109, तो i की पावर क्या होगा minus 1 पावर 109, तो minus 1 के पावर जब हमने 438 में डिवाइड किया 4 से, तो 109 और 2 हमारा क्या होगा, रिमाइंडर बच गया, तो मतलब i की पावर 2 into i की पावर 109, तो ये हमेशा 4 के पावर k है, तो 4 के पावर k के बाद ये हमेशा क्या हो जाएगा, i square into 1, तो ये क्या हो जाएगा हमारा minus 1 into 1, बराबर क्या हो गया minus 1। तो सिमिलरली हम ये सारे रिजल्ट हम निकाल सकते हैं, ठीक है। कॉम्प्लेक्स नंबर को हम z से रिप्रेजेंट करते हैं,
x plus i1। हम इसको ग्राफ में भी आगे प्लेट पे दिखा सकते हैं। ये हमारा x एक्सिस